जिसको आप कांग्रेस का शहजादा कहते हैं राहुल गांधी, वो तो अपनी दोनों सीटों से लीड कर रहे हैं, रायबरेली और वायनाड, तो वो शहजादा है। अगर लोगों ने चाहा है तो कोई बात नहीं, मानते हैं ना कि राहुल गांधी को लोग सीरियसली ले रहे हैं, आप पप्पू कहते हुए नजर आते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब राहुल गांधी जी की जो पॉलिटिक्स है वो पूरा देश जानता है और दुनिया जानती है, उसमें बेरोजगारी पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, महंगाई पर कर रहे हैं, आप मोदी जी के नाम पर कर रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी के नाम पे हमने इलेक्शन लड़ा है और ना प्रधानमंत्री का हाथ जिस पर हो वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। नहीं, वो तो है, सबसे बड़ा सच्चाई है जम्मू कश्मीर की राजनीति। हमारा सबसे बड़ा फेस जो था इस इलेक्शन में वो मोदी जी ही थे, और मोदी के नाम पर मोदी जी कश्मीर भी गए थे, कश्मीर में कमल नहीं खिला, जिन पार्टियों को आप समर्थन दे रहे थे जो लक्ष्य लिया था, तीसरे नंबर पर। मेरी बात सुनिए, मोदी जी का जो लक्ष्य था, पांच सीटों का दावा, फारूक अब्दुल्ला 2019 में 6% की पोलिंग के ऊपर वो एमपी बना था, आज वहाँ 51% से ज्यादा वोटिंग हुई है, ये लक्ष्य था मोदी रशीद बारामूला से लीड कर रहे, टेरर फंडिंग के केस में तिहाड़ में है, उनके दोनों बेटों ने प्रचार किया, कैडर भी नहीं है लेकिन फिर भी लीड कर रहे हैं, तो ये बारामूला की जनता ने किस नेता को चुन लिया? ये बारामूला की जो जनता है ये उनकी सोच है कि उन्होंने किस तरीके से वोट डाला है, और इतने बड़े वो जो एक्स जहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो वहां से आ रहे हैं, तो ये भी एक बात है कि जो लेकिन आप जीत नहीं रहे अश्विनी जी, ये भी मान लीजिए, आपने कहा था 5 की 5 सीटें भाजपा के हाथ में आएंगी, दो सीटें आ गई कश्मीर, नतीजों का दिन है और नतीजे जो है वो जम्मू में भाजपा के पक्ष में है और कश्मीर में भाजपा के विरोध में है। कश्मीर में जिन पार्टियों को समर्थन करती हुई भाजपा नजर आई वो तीसरे नंबर पर है, और सबसे बड़ा अचंभित करने वाली बात यह है कि एक ऐसा नेता जो टेरर फंडिंग में कश्मीर में पूरी तरह से चुनाव में उतर रहा था इंजीनियर रशीद, वो लीड कर रहा है और बारामूला सीट कह रहे हैं उसके नाम पर है, तो क्या बारामूला की जनता जो है किस व्यक्ति को अपना नेता चुन रही है? यहाँ पर अश्विनी जी मेरे साथ हैं। अश्विनी जी, ये जो आंकड़ा लगातार आप एनडीए या फिर इंडिया वर्सेस जो चल रहा है इस समय, इसको छूने की जो आप बात करें, 300+ का हो गया है, प्रधानमंत्री तो स्पष्ट रूप से आपके ही बनेंगे, लेकिन टक्कर मान रहे हैं कि इंडिया भी पीछे नहीं रहा। देखिए, हमारा नारा था फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार तो बन रही है। हमारा नारा जो था, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और पूरा जो हमारा संगठन है उन्होंने ये कहा, फिर एक बार मोदी सरकार, और तीसरी बार यो एक इतिहास बनने जा रहा है कि नेहरू जी के बाद तीसरी बार अगर लगातार कोई सरकार बन रही है और प्रधानमंत्री तीसरी बार कोई बन रहा है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है। और ये चुनाव जो अभी आपने देखा होगा कि मोदी वर्सेस आल और सारा विपक्ष जो इकट्ठा होके जो उन्होंने अभी आप ये कह रहे हो कि हमारा जो एक लक्ष्य था वो लक्ष्य हमने पूरा किया है और सरकार हमारी बन रही है, सेलिब्रेशन हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, पूरा संगठन के कार्यकर्ता जो है वो जश्न मना रहे हैं, तो इसमें तो लेकिन जिसको आप कांग्रेस का शहजादा कहते हैं राहुल गांधी, वो तो अपनी दोनों सीटों से लीड कर रहे हैं, रायबरेली और वायनाड, तो वो शहजादे ने तो चमत्कार कर दिया। मेरी एक बात सुनिए, अमेठी से राहुल गांधी भाग गए वहां से और आगे जाकर अब रायबरेली में वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है पुरानी एक, उस पे अगर वो आगे आ रहे हैं तो कुछ लोकतंत्र है, अगर लोगों ने चाहा है तो कोई बात नहीं। मानते हैं ना कि राहुल गांधी को लोग सीरियसली ले रहे हैं, आप पप्पू कहते हुए नजर आते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब राहुल गांधी जी की जो पॉलिटिक्स है वो पूरा देश जानता है और दुनिया जानती है, उसमें बेरोजगारी पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, महंगाई पर कर रहे हैं, आप मोदी जी के नाम पर कर रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी के नाम पे हमने इलेक्शन लड़ा है और हमें फख्र है कि एक बार मोदी सरकार जो फिर बन रही है और हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। एक गुस्सा था जम्मू की जनता में कि यहाँ के जो सांसद रहे हैं ना वो लोगों के घर तक नहीं पहुंचे हैं, अब तीसरी बार भी वो लीड कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना आशीर्वाद रहा है, तो क्या लगता है इसके बाद जुगल किशोर शर्मा लोगों के घर तक पहुंचेंगे और चौथी बार उनको मौका मिलेगा, ये चेहरा बदलेंगे आप? देखिए, ये एक ऐसा वो पैदा किया गया था कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, जुगल जी ने जितना काम यहाँ किया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एमपी इतना मूव करता है जितना जुगल जी ने यहाँ किया था, लेकिन यहाँ एक नैरेटिव जो सेट किया गया, लेकिन अभी आपने देखा कि 1,00,000 से भी ज्यादा जो लीड है वो जुगल जी ने वहाँ यहाँ से हासिल की है, तो फिर एक बार तीसरी बार जुगल जी जीते हैं। अगर उन्होंने काम नहीं किया होता, लोगों में नहीं गए होते, तो ये इतनी बड़ी जीत उनकी नहीं होती। अभी तो लोग कह रहे थे कि 2-4 हजार के मार्जिन से वो जीतेंगे, अगर जीते भी तो अब 1,00,000 की लीड लेकर वो जीत रहे हैं, तो ये काम कहते हैं ना प्रधानमंत्री का हाथ जिस पर हो वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। नहीं, वो तो है, सबसे बड़ा फेस सच्चाई है जम्मू कश्मीर की राजनीति। हमारा सबसे बड़ा फेस जो था इस इलेक्शन में वो मोदी जी ही थे, और मोदी जी के नाम पर ही पूरा संगठन ने इलेक्शन लड़ा है, और हमें फख्र है कि एक बार फिर मोदी जी के नाम पर। मोदी जी कश्मीर भी गए थे, कश्मीर में कमल नहीं खिला, जिन पार्टियों को आप समर्थन दे रहे थे, मोदी जी ने जो लक्ष्य लिया था, तीसरे नंबर पर। मेरी बात सुनिए, मोदी जी का जो लक्ष्य था, पांच सीटों का दावा, फारूक अब्दुल्ला 2019 में 6% की पोलिंग के ऊपर वो एमपी बना था, आज वहाँ
51% से ज्यादा वोटिंग हुई है, ये लक्ष्य था मोदी जी का और वो लक्ष्य उन्होंने पूरा किया था। जो लोग 4% वोट लेकर वहां से जीते थे, अब खुलकर लोग सामने आए हैं। अगर वहां हालात सुधरे हैं, अगर वहां पे पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, अगर लोगों को डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास हासिल किया है, तो ये सिर्फ मोदी जी की वजह से है। ये ब्रॉडर वे में मोदी जी ने सोचा, ये हमारा ये लक्ष्य नहीं था कि हम वहां से जीते, हमारा ये था कि कोई भी जीते। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक इंसान को हक है कि वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट करे। इंजीनियर रशीद बारामूला से लीड कर रहे हैं, टेरर फंडिंग के केस में तिहाड़ में है, उनके दोनों बेटों ने प्रचार किया, कैडर भी नहीं है लेकिन फिर भी लीड कर रहे हैं। तो ये बारामूला की जनता ने किस नेता को चुन लिया आपके हिसाब से? ये बारामूला की जो जनता है, ये उनकी सोच है कि उन्होंने किस तरीके से वोट डाला है। और इतने बड़े वो जो एक्स जहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो वहां से आ रहे हैं, तो ये भी एक बात है कि जो लेकिन आप जीत नहीं रहे अश्विनी जी, ये भी मान लीजिए आपने कहा था 5 की 5 सीटें भाजपा के हाथ में आएंगी, दो सीटें आ गई। हमारा ये था, हमारा ये था कि यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो लोग सवाल उठा रहे थे, अब वही लोग जो है वो ये बात नहीं कर रहे थे। कल तक जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था अपोजिशन की तरफ से, आपने देखा दिल्ली में जो परसों एक बहुत बड़ी बैठक जो है वो विपक्षी पार्टियों की हुई, जो इंडिया की जो ये जो ग्रुप है, इन्होंने वहां क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, उस स्ट्रेटजी को अब वो क्यों यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया उन्होंने, अब क्यों सवाल उन्होंने उठाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम थैंक्स करते हैं जिन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस गवर्नमेंट के जो हमारे मोदी जी का एक मिशन था उसको पूरा उन्होंने किया है। ये सब मुबारक के पात्र हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। आज किसी भी विपक्षी नेता ने ये सवाल नहीं उठाया कि ईवीएम विधानसभा के लिए तैयार है, यहाँ से तैयारियां बिल्कुल हम पूरी तरह से तैयार हैं। और हमारे दोनों यहाँ से एमपी जो हैं, जहाँ से हमने कंटेस्ट किया, 100% रिजल्ट हमारा आया है। आपने देखा होगा जुगल जी भी बड़े मार्जिन से जीते हैं और कठुआ में जो बड़ी बड़ी बातें जो दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे वो दावे फेल हुए हैं और फिर एक बार तीसरी बार दोनों हमारे एमपी जो जीत कर वहां जा रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी है, सेलिब्रेशन हो रहा है और पूरे देश में हो रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बन रहे हैं और हमारी सरकार जो है वो तीसरी बार बन रही है। देखिए भाजपा ने पहले ही जश्न के माहौल की तैयारी अपनी दिल्ली कार्यालय में कर ली थी, जम्मू में भी कुछ इसी तरह से जश्न का माहौल है। यहाँ पर जो है पूरी तरह से नाच गाना चल रहा है, हर एक व्यक्ति खुशी से झूम रहा है। लेकिन अब अगली परीक्षा जो अग्नि परीक्षा है वो एमएलए की इलेक्शन में, असेंबली की इलेक्शन में, दो सीटें जीत कर महज आप खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर तो आंकड़ा 80 से ज्यादा का है और कश्मीर भी वहां पर आपके साथ है, जम्मू भी है, जम्मू से तो आप हासिल कर लेंगे लेकिन कश्मीर में क्या उमर आपको जीतने देंगे, महबूबा मुफ्ती जीतने देंगे? इंजीनियर रशीद जैसे नेता जब चुनावी सरगर्मी में उतर जाते हैं, तिहाड़ जेल में रहते हुए वो जीत हासिल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए कश्मीर में डगर जो है वो मुश्किल होने वाली है।